Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well, I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi और हम लोग बात कर रहे हैं गेट बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के बारे में. ओके, और हम लोग अब बात करने वाले हैं आज की क्लास में साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में और डीएनए माइक्रोएरे के बारे में. ये टेक्निक्स सुनने में देखने में है छोटी सी, इनके पीछे कॉन्सेप्ट भी छोटा सा है, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हालांकि ये टेक्निक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर गेट के एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको अगर एक एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है कि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक साइंटिस्ट का ग्रुप, और उसमें हमको ये डीएनए मिला है जिसको हमने डीएनए माइक्रो एरे से पढ़ा है और हमें ये रिजल्ट मिला, तो कम से कम आप उस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन को समझ पाओगे अपने और जो आपके एग्जामिनेशन है उसमें. ठीक है, यहाँ पे आपको गेट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है, हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है. ओके, क्योंकि मतलब अब क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाइफ साइंसेस एडवांस हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप जितना ज़्यादा टेक्निक वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको हर एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलने वाला है, और उतना ज़्यादा आपको आगे जितने इंटरव्यू आप फेस करोगे या कहीं भी जाओगे उसमें फ़ायदा मिलने वाला है. अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है तो कम से कम थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को तो आप अपना बहुत अच्छा कर ही सकते हैं, ताकि अगर कहीं भी आपको इंटरव्यू फेस करें या किसी के पास ऐसे जाएँ तो कम से कम थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास हो जिससे आप अपना जो इंटरव्यू है वो फेस कर सके. ओके, तो हम लोगों के पास है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और डीएनए माइक्रो एरे. ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पे ऐसा खास देखने को मिल रहा है, या क्या होता है ये, कैसी प्रोसेसेस हैं ये, किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करती हैं, और क्या हमको इन प्रोसेसेस में देखने को मिलता है. तो एक एक करके शुरू करते हैं. पहले हम बात करते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की. जैसा इसका नाम है हम वही इसमें करते हैं, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस. साइट एक पर्टिकुलर साइट है डीएनए पे. ठीक है, अब डीएनए का फ्रेगमेंट हो सकता है, डीएनए का पूरा सेगमेंट हो सकता है, आप जहाँ भी करना चाह रहे हो वो डीएनए पे कोई एक स्पेसिफिक साइट पे आप डायरेक्शन दोगे कि हाँ इस साइट पे स्पेसिफिकली इस जगह मुझे म्यूटेशन चाहिए. ठीक है, तो साइट को डिफाइन करते हुए, साइट की तरफ डायरेक्ट करते हुए, स्पेसिफिकली एक पोजीशन पे अगर आप म्यूटेशन चाह रहे हो, और वो म्यूटेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है कि वो इंसर्शनल म्यूटेशन हो सकता है वो डिलीशन हो सकता है वो आपकी क्या कहते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकता है ट्रांसवर्जन ट्रांजिशन ये वाली म्यूटेशन हो, तो आप किसी भी तरीके की म्यूटेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, म्यूटेशन आप डेवलप करवा रहे हो और साइट आपने डायरेक्ट करके रखी होगी स्पेसिफिकली इस साइट पे मुझे म्यूटेशन करवानी है और ऐसी ऐसी टाइप की मैं म्यूटेशन करवाना चाहता हूँ. ओके, तो आप अगर ऐसा कर रहे हो या ऐसा आप टेक्निक से परफॉर्म करना चाह रहे हो फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस. ठीक है, अब इसके करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम करते हैं. हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेम शीट म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन कुछ भी हम चेंजेस यहाँ पे ला सकते हैं स्पेसिफिकली डायरेक्ट करते हुए एक पॉइंट पे. ठीक है, और ये ज़्यादातर क्यों किया जाता है, मतलब आप पूछो कि भाई ऐसा क्या रीज़न है, क्यों करना है म्यूटेशन, हम तो म्यूटेशन से बचते आ रहे हैं ना, हमने डीएनए रिपेयर देखे हैं, हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं, हम बचना चाह रहे हैं कि म्यूटेशन ना हो, तो आप क्यों कर रहे हो म्यूटेशन, ऐसी क्या ज़रूरत आपको आन पड़ी म्यूटेशन करने की. तो म्यूटेशन हम करते हैं ताकि हम चेंजेस पढ़ पाएं प्रोटीन की एक्टिविटी में. फॉर एग्जांपल जैसे हमने एंजाइम पढ़ा, अब एंजाइम के जो सीरीन प्रोटीएसेस हमने एंजाइम पढ़ा, उस सीरीन प्रोटीएसेस में जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट में जैसे कि हमने काइमोट्रिप्सिन पढ़ा था, एक्टिव साइट में हमको मिल रहा है सीरीन, ठीक, अमाइनो एसिड. हम ये देखना चाहते हैं कि ये सीरीन की एक्टिविटी क्या है इसमें, किसमें, हमारे एंजाइम में, तो हम इस सीरीन को डिलीट कर दें, या हम ये कह रहे हैं कि हम इस सीरीन को रिप्लेस कर दें किसी और अमाइनो एसिड से, तब हम ये देख सकते हैं कि ये सीरीन जब था तब इस काइमोट्रिप्सिन की एक्टिविटी क्या थी, जब ये सीरीन नहीं है तब इसकी एक्टिविटी क्या है, या अगर हम इस सीरीन को किसी दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस कर रहे हैं तब इसकी एक्टिविटी क्या है, या क्या डिफरेंस आ रहा है इसकी एक्टिविटी में, कोई और अमाइनो एसिड इसकी जगह ले भी सकता है या नहीं,
तो डीएनए मैनिपुलेशन करके हम किस तरीके से प्रोटीन की एक्टिविटी का जो चेंज है वो देख सकते हैं, उनके जो स्पेसिफिक रेजिड्यूज का क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो हमारा डीएनए आरएनए या प्रोटीन है उसमें कुछ छोटे छोटे लेवल पे म्यूटेशन करके जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी पाना चाह रहे हैं वो पा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोटीन को चाहते हो कि ये इतनी बड़ी साइज की होकर भी जो इसका शेप है वो बहुत ही मिनिमल रहे, एकदम ग्लोबुलर प्रोटीन बन के रहे, तो आप कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स में चेंज करोगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ज्यादा से ज्यादा रखोगे जो कि सेंटर में कोर पे चले जाएं, एकदम हाइड्रोफोबिकली एक दूसरे से क्या हो इंटरैक्ट करें और बाहर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड की एक चेन हमको मिले, तो वो अपना जो स्ट्रक्चर होगा वो वैसा बन जाएगा जैसा हम चाहते थे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम इसमें जो इंडोन्यूक्लियस या हम ये कह लें जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं उनकी साइट्स को या तो ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। आप सभी को पता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, ये एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एक साइट को पहचान के कट करने का क्लीव करने का काम करते हैं डीएनए को इंटरनली। ठीक है, तो हम उनकी साइट को बना सकते हैं या हटा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका अच्छा खासा यूज होने वाला है। ठीक है, तो साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत ज्यादा लैब्स में जो है अब यूज किया जा रहा है इन्हीं सब म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डीएनए सीक्वेंसेस में और अलग अलग तरीके की स्टडीज के लिए कि हाँ इस तरीके की म्यूटेशन होगा तो क्या होगा। भाई आप अगर कोई डिजीज देख रहे हो कि मान लीजिए लेश निहान सिंड्रोम हो गया है, मान लीजिए विस्कॉट एल्ड्रिच हो गया है, कोई भी सिंड्रोम आपके हो गया, कोई डिजीज हो गई है, अब कैसे पता चलेगा किसकी वजह से हुई है, अभी तक आपको वो चीज नोन नहीं है, तो आप क्या करोगे एक एक चीज म्यूटेट करके कोशिश करोगे जिससे रिलेटेड वो है। अगर उस डीएनए के पार्ट में कुछ कुछ म्यूटेशन करने से आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब हाँ ये डिजीज जो हुई है ये इसी तरीके की म्यूटेशन की वजह से हुई है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो उसको स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। ओके, इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है आपके दिमाग में ये जरूर आइडिया होना चाहिए, जैसे बचपन में बच्चे कहते नहीं है कि क्यों पढ़े हम मैथ, कहाँ अप्लाई करें इस मैथ को, कौन से पोल की लंबाई नापे। ठीक है, तो आपको लाइफ साइंस में कुछ चीजें बदली नहीं है, इसमें भी आप जो भी चीज पढ़ें उसे अप्लाई करें कि हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बार ये जान गए कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी क्योंकि आप उस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, तो साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस को यूज करके साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो रिलेशनशिप है किसका, हमारा जो प्रोटीन प्लेक फॉर्मेशन होता है अल्जाइमर्स डिजीज में, आपने देखा होगा कि बीटा स्ट्रैंड्स के बड़े बड़े प्लेक्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं ब्रेन में और वो प्लेक्स क्या करते हैं फिर जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है उसको डिटेरेट कर देते हैं। तो उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर फंक्शनल रिलेशनशिप है प्रोटीन प्लेक का, क्या ऐसा चेंज आ रहा है इसमें, क्या कोई प्रियॉन इन्वॉल्व है, उस प्रियॉन के इन्वॉल्वमेंट से क्या चेंजेस इस प्रोटीन में आ रहे हैं, इसकी जो डिटेक्शन है इसकी जो हमारी क्या कहते हैं पहचान है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस से। इसके अलावा जो जीन थेरेपी है उसको देने की कोशिश करी जा रही है। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि एक म्यूटेटेड जीन आपके बॉडी में है और हम बाहर से एडिशन कर रहे हैं किसका, एक ओरिजिनल या हम ये कह लें नॉर्मल जीन का, वाइल्ड टाइप जीन का, और वो अलग अलग डिजीज में हमको देखने मिल रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, सिकल सेल एनीमिया में हमारा, या हीमोफीलिया में, इन सब में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर से एडिशनली नॉर्मल जीन को प्रोवाइड कर सकें या उस म्यूटेशन वाले पार्ट को हम चेंज कर सकें जो म्यूटेटेड है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग प्रोटीन रिसेप्टर्स की जो कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, या हम ये कह लें जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं, नॉवल फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं इन स्पेसिफिकली कंपाउंड्स की, उसकी स्टडी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे आखिर चेंजेस आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे हैं या क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ हम वायरल प्रोटीन्स को एग्जामिन कर रहे हैं जो कि इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज में इन्वॉल्व है, कि क्या ऐसा हो रहा है जो वायरल प्रोटीन इम्यूनो डिफिशियंसी कॉज करवा रहा है बॉडी में, है ना। और फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज जो है वो इंडस्ट्रियल एंजाइम की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं और जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारे यूज। अब हम करते कैसे हैं, तो हमें पता चल गया साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस होता क्या है और करते कैसे हैं, लेकिन अब
करते कैसे हैं ये हमको देखना है, और करते क्यों है ये हमें पता चल गया, ठीक है, कि आप इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो करने के अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज जो हैं वो अलग अलग हैं जिनके थ्रू आप साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है नॉन पीसीआर बेस्ड और एक है पीसीआर बेस्ड, जिसमें से जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब नॉन पीसीआर बेस्ड को यूज किया गया था, या तब नॉन पीसीआर बेस्ड ही डिस्कवर किया गया था ये साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस, बाद में पीसीआर बेस्ड मेथड्स भी जो है वो डिस्कवर हुए, लेकिन आज की डेट में साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस पीसीआर बेस्ड ही यूज होता है, नॉन पीसीआर बेस्ड नहीं यूज होता है, क्योंकि नॉन पीसीआर बेस्ड बहुत ही ज़्यादा टीडियस है और इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन पीसीआर बेस्ड है इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, पीसीआर बेस्ड में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंसेस पता होते हैं, आप स्पेसिफिकली उसी सीक्वेंस पे फोकस कर रहे होते हो, ठीक है, लेकिन नॉन पीसीआर बेस्ड भी हमें पता होने चाहिए। तो नॉन पीसीआर बेस्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो वाइडली यूज्ड मेथड था या जो मेथड डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस विद M13 डीएनए। ओके, हम सभी लोगों को पता है कि M13 एक बैक्टीरियोफेज है, जिसमें एक बैक्टीरियोफेज है जिसमें हमको सिंगल स्टैंडर्ड जो हमारा डीएनए है वो देखने को मिलता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। तो अब हो कह रहा है यहाँ पे, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्मल सिंपल जो सीक्वेंस होता है डीएनए का वो रहता है, लेकिन हम एक एडिशनली स्ट्रैंड या ये कहें एडिशनली छोटा सा फ्रैगमेंट, सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट डीएनए का इंसर्ट कराते हैं या हम ये कहते हैं वहां तक हम लेके जाते हैं इस बैक्टीरियोफेज के अंदर। होता क्या है, इसको हम पिक्टोरियली समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो होता क्या है कि ये हमारा जो स्ट्रैंड है ये हमारा है M13 का जो पेरेंटल स्ट्रैंड या जो मेन स्ट्रैंड है वो, इसमें हमने एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एंटर करवाया या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हम इसके डीएनए के पास लेके गए। अब ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हमारा 5' to 3' इस तरीके से है और इसमें एक मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसमें एक मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है। अब आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ पे हमने अपना जो क्लिनोव फ्रेगमेंट है यानी कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसको एंटर किया और डीएनटीपी इसको एंटर किया और इसको रेप्लिकेट होने का मौका दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा या हम ये कह ले इसका फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। कहाँ से पूरा होगा, फ्री थ्री प्राइम ओएच की तरफ से इसका क्या होगा, इसको यहाँ से ऐसे कंप्लीट किया जाएगा, आगे की तरफ जो नए डीएनटीपी है उनको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है इस फंक्शन, इस पूरे मतलब उसको परफॉर्म करने के फ्रेगमेंट को, क्या जो 5' एंड है, 5' एंड को हमेशा यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड रखना होता है। अगर हम 5' एंड को फॉस्फोराइलेटेड नहीं रखेंगे तो जो ये मूवमेंट है या ये जो डेवलपमेंट है 3' OH की तरफ से ये होना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि 5' OH जो पॉइंट है आपको वो हमेशा फॉस्फोराइलेटेड रखना है अपने ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का। अब होगा क्या, इस तरीके से आपका पूरा जो फ्रेगमेंट है, जो पूरा डीएनए का क्या कहते हैं स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो गया, जिसमें एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ये मिसमैच है ए और जी। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, T4 डीएनए लाइगेज जो इस तरीके का फ्रेगमेंट यहाँ पे आके बनेगा इसको ज्वाइन कर देगा ऐसे करके, ठीक है, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ई कोलाई इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि इस जो हमारा डीएनए का ये सेगमेंट तैयार हुआ है इसको हम बैक्टीरिया में एंटर होने देंगे और फिर M13 प्लेक्स बनेंगे। तो होगा क्या, हमको दो तरीके के इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज मिलेंगे, एक जो कि इंटरनल स्ट्रैंड से, क्योंकि हमको पता है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रहता है, इंटरनल स्ट्रैंड यानी कि वाइल्ड टाइप स्ट्रैंड से इन्फेक्टेड होंगे, और दूसरे हमको म्यूटेटेड स्ट्रैंड यानी कि जो हमारा चेंज्ड स्ट्रैंड है जैसा हम चाहते थे स्पेसिफिकली जिस पोजिशन पे, वहाँ उस म्यूटेटेड स्ट्रैंड से इन्फेक्टेड होंगे या म्यूटेटेड डीएनए से इन्फेक्टेड होंगे। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जैसा डीएनए हम चाहते थे वैसा डीएनए हमको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ही म्यूटेटेड मिल गया, ठीक है, और वाइल्ड टाइप को हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम इस M13 फेज को यूज करके, बैक्टीरियोफेज को यूज करके जो स्पेसिफिक अपना एक साइट पे म्यूटेशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं और करते हैं। ओके, तो यही सारे जो आपके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए मैंने, तो इसको आप डायग्रामेटिकली समझ के ज्यादा अच्छे से
क्लियर कर सकते हो। तो दूसरा हमारे पास कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस विद प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए के साथ आप क्या क्या कर रहे हो, आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर रहे हो। ये भी बड़ा मजेदार है, यहाँ पे भी हम एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं। ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं और यूज करते हैं अपना प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में एक साइट होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में क्या रहता है, अलग अलग जो हमारे रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हैं उनको उनकी कट करने की साइट यहाँ पे रहती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ईकोलाई से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम म्यूटाजेनिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, म्यूटाजेनिक जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करते हैं, उसको एनील कराते हैं अपने प्लाज्मिड डीएनए के साथ, उसको एनील कराते हैं। और जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है आपका वो प्राइमर की तरह एक्ट करता है ना, और T4 डीएनए पॉलीमरेज आपका इसको क्या कहते हैं, जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है उसको एज ए टेम्पलेट मान के इसको कम्प्लीटली पूरा कर देता है। पूरा करने के बाद T4 डीएनए लाइगेज जो है उसके गैप को सील कर देता है, यानी कि इसको सर्कुलर बना देता है जैसा हमें चाहिए था। और फिर उसके बाद हम इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की मदद से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके से। होता क्या है कि ये हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, पी अल्टर हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, ये हमारा टारगेट डीएनए है। तो हमने क्या किया, अपना टारगेट डीएनए क्लोन किया, हम चाहते हैं कि इस टारगेट डीएनए में स्पेसिफिकली हमको एक म्यूटेशन मिले जहां पे हमको करवानी है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे जो कि इस तरीके से इस पे एनील कर जाएगा। जब ये एनील कर जाएगा तब क्या होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ जो हमारे डीएनए सिंथेसिस है वो हमको परफॉर्म करनी है। डीएनए सिंथेसिस हम परफॉर्म करेंगे, डीएनए सिंथेसिस जब परफॉर्म होगी तो वो इसको टेम्पलेट मानते हुए यहाँ पे सिंथेसिस कर देगी किसकी, म्यूटेटेड डीएनए की। और जब म्यूटेटेड टारगेट डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, कैसे सिंथेसाइज हो जाएगा, सिंथेसाइज होगा फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसका सिलेक्शन करेंगे। किसकी वजह सिलेक्शन करेंगे, जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसकी मदद से इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन के बाद हम हमारे पास जो टारगेटेड डीएनए है वो हमको देखने को म्यूटेटेड मिल जाएगा स्पेसिफिकली उसी जगह जहां पे हम चाहते थे। हालांकि ये बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत कम है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ से नहीं आते, इसलिए ये चीज़ उतना ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी जाती है। ठीक है, लेकिन ये है, प्रोसीजर होता है। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, PCR बेस्ड म्यूटाजेनेसिस मेथड। ठीक है, किस तरीके से आप PCR बेस्ड म्यूटाजेनेसिस परफॉर्म कर रहे हो या PCR को आप यूज़ कर रहे हो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करने के लिए, बड़े इजी मेथड्स हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है PCR एम्पलीफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। PCR एम्पलीफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इसको भी हम पहले पिक्टोरियल वर्जन इसका देखते हैं। कुछ इस तरीके से हम अलग अलग प्राइमर्स का खेल कर रहे हैं। ठीक है, हम प्राइमर्स का अलग अलग यहाँ पे खेल जो है वो कर रहे हैं। किस तरीके के प्राइमर का आप यहाँ पे खेल कर रहे हो, आपने आपको करनी है म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, आपको करने हैं म्यूटेशन। अब इसमें कोई स्पेशल प्लाज्मिड वेक्टर हमें जो है नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक हमें कोई भी प्लाज्मिड चलेगा 10 किलो बेस पेयर तक उसका साइज जो है वो एक्सेप्टेबल रहता है। 10 किलो बेस पेयर तक साइज है हमें, तो इस पे हमारे पास वो वेक्टर या वो प्लाज्मिड एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, है ना। कोई स्पेशल प्लाज्मिड नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली हमें वही चाहिए। उसके बाद हम करते क्या है, हम अलग अलग तरीके के अपने जो प्राइमर्स हैं वो सिंथेसाइज कराते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें डीएनए का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डीएनए का सीक्वेंस नहीं पता होगा तो फिर हम उन प्राइमर्स को एनील कहाँ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एनील तो तब होंगे जब हमारे पास जो डीएनए का सीक्वेंस हो वो एग्जैक्टली हमें बताओ, और स्पेसिफिकली मैं ये भी बताऊँ कि किस जगह पर हम उसे चेंज करना चाह रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, डिलीशन म्यूटेशन के लिए हम ऐसे प्राइमर्स बनाते हैं जिसमें जो बॉर्डर रीजन है, ठीक है, जो बॉर्डर है हमारे इसका क्या कहते हैं टारगेट डीएनए का, वो क्या हो, डिलीटेड हो, है ना, दोनों ही साइड से, और बाकी परफेक्टली मैच करे, वो एनील करे अपने टेम्पलेट सीक्वेंसेस से। अगर हमको क्या करना है, म्यूटेशन करने हैं लॉन्ग इंसर्शन टाइप के,
तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच ऑफ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ वन और बोथ प्राइमर्स। हम दोनों या एक प्राइमर पे एक 5 प्राइम एंड का स्ट्रेच जो है, 5 प्राइम एंड पे स्ट्रेच जो है वो ऐड कर देंगे। जबकि छोटे इंसर्शन म्यूटेशन के लिए हम एक एक ही प्राइमर को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जहां पे कुछ जो है वो इस तरीके से क्या हो, आपके पास जगह रहे यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए, यहाँ पे आपको जगह रहे छोटी सी ऐड करने के लिए, कुछ इस तरीके से प्राइमर आपके देखे बन रहे हैं। पॉइंट म्यूटेशन अगर आपको करना है तो एक प्राइमर को आपने वाइल्ड टाइप रखा और एक प्राइमर की एक पोजीशन पे आपने क्या करा, म्यूटेशन कर दिया। डिलीशन म्यूटेशन अगर आपको करना है तो इतना पार्ट आपने डिलीट कर दिया, कैसे, क्योंकि आपने जो प्राइमर बनाए वो ऐसे सीक्वेंस से बनाए जो कि बीच का इतना पार्ट छोड़ रहे थे, इससे इधर सिंथेसाइज कर रहे हैं, इससे इधर सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच का इतना पार्ट आपका डिलीट हो गया। अगर आपको इंसर्शनल म्यूटेशन करना है, लार्ज इंसर्शनल म्यूटेशन, तो आप 5 प्राइम एंड पे दोनों ही साइड क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेच छोड़ के रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इतना डीएनए एंटर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब लाइगेशन होगा तो ये दोनों फ्रेगमेंट इस तरीके से जुड़ जाएंगे और इतना डीएनए एंटर हो चुका होगा जो कि पहले नहीं था। शॉर्ट स्ट्रेच करने के लिए, शॉर्ट इंसर्शन म्यूटेशन करने के लिए आप इस तरीके से लूपिंग कर रहे हो और इस लूपिंग के सामने जो डीएनए होगा वो इंसर्ट हो जाएगा, या उतना सा जो पार्ट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम डीएनए में बदलाव ला रहे हैं पीसीआर को यूज करते हुए इस मेथड से। इसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, क्या, पहला, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द टारगेट डीएनए मस्ट बी नोन। बिना टारगेट डीएनए के जो सीक्वेंस है उसको पता किए हुए हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहां से यहां तक का सीक्वेंस पता होना चाहिए जो हमें हटाना है। तो हम क्या करें, उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड के सीक्वेंस जो हमें पता है उसके लिए प्राइमर बनाए, और वो ऐसा होना चाहिए जो सेंटर में एनील ना करे, जो पार्ट हमें रिमूव करना है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो 5 प्राइम एंड है प्राइमर का वो फॉस्फोराइलेटेड होना चाहिए, ठीक है। 5 प्राइम एंड जो हमारे प्राइमर का है वो फॉस्फोराइलेटेड होना चाहिए, ये भी हमारी एक स्पेसिफिक नीड है जो हमको देखने को मिल रही है। ओके, तो इसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारे पास पीसीआर बेस्ड, जिसमें जिसका नाम है रैंडम म्यूटाजेनेसिस विद डीजेनरेट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। बहुत ही मज़ेदार है, और पीसीआर को पूरी तरीके से अच्छे से समझ के यहाँ पे यूज़ किया गया है कि कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। और इसका जो मतलब जो स्टेप्स हैं वो आपको देख के खुद लगेगा कि इतना अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमारे पास एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, उस डीएनए के फ्रैगमेंट पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। तो उस रिस्ट्रिक्शन साइट्स को यूज़ करते हुए हम अपना टारगेट डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। टारगेट डीएनए इंसर्ट कराने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट डीएनए में ही ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो हमें पता होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस टारगेट डीएनए में ऐसे सीक्वेंस होंगे जो हमें म्यूटेट कराने हैं, ठीक है। तो उस टारगेट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम म्यूटेटेड प्राइमर्स इंसर्ट करते हैं। म्यूटेटेड प्राइमर्स टारगेट डीएनए के सेंटर पे कुछ इस तरीके से एनील होंगे। ये जो आपको उठे हुए एरिया दिख रहे हैं, वेजेस दिख रहे हैं, ये क्यों हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ये एरियाज एनील नहीं हुए हैं इस टारगेट डीएनए के साथ। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली इन न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस है टारगेट डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस, फ्रेगमेंट की सिंथेसिस। यहाँ पे जो प्राइमर हमारा है, जो कि हमारे पास हमने यूज़ किया है एडिशनली दूसरा प्राइमर, वो इस तरीके इस साइड के फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करेगा, इस तरीके स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, और जो दूसरा राइट साइड में हमने प्राइमर यूज़ किया है वो राइट साइड के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। तो जब ये सिंथेसिस हो जाएगी तो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके के हमको सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, या इस तरीके के हमको फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनको हम प्योरीफाई करेंगे, डीनेचर करेंगे और रीनेचर करेंगे, ठीक है। प्योरीफाई करेंगे, डीनेचर करेंगे और रीनेचर करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा फ्रैगमेंट जब तक बन के ना आ जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से लेफ्ट और राइट दो प्राइमर्स को यूज़ करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आउटर प्राइमर के साथ इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर से हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्लीव करेंगे, और एग्जैक्टली यहाँ पे क्लीव करेंगे जहाँ पे हमारा एडिशन हमने किया था। तो टारगेट डीएनए जो हमारा था वो बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन इस टारगेट डीएनए में अब जो स्ट्रैंड्स हैं
वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे म्यूटेटेड होंगे जो हमने यूज किया था सेंटर में एज अ प्राइमर, या जो हमने पार्ट भेजा था कि हाँ आप जाके एनील हो जाओ, लेकिन इन इन साइट्स पे उसमें म्यूटेशन थी। तो हमारे पास अब वो फ्रेगमेंट आ जाएगा जो कि म्यूटेटेड होगा, वो टारगेट डीएनए आ जाएगा जो कि म्यूटेटेड होगा, और हमने इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के अंदर उसको इंसर्ट करवाया था। ओके, तो ये कुछ मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस करने के लिए। इसके साथ साथ जो सेकेंड टेक्निक है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, वो है डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डीएनए माइक्रो एरे में हमको कुछ इतनी खास खास चीज़ें देखने को मिलती हैं, या हम ये कह लें कि इससे हम इतने अच्छे अच्छे चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है उसमें इसकी प्रेजेंस हमको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली डीएनए माइक्रो एरे है क्या? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, और एरे होता है, आप सभी लोगों ने एरे पढ़े हुए हैं, स्टैक्ड एक तरीके के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक्ड रीजंस, ठीक। तो डीएनए माइक्रो एरे, इसको हम डीएनए चिप्स भी कहते हैं, जीन चिप्स भी कहते हैं, डीएनए एरे भी कहते हैं, जीन एरे भी कहते हैं, या बायो चिप्स भी कहते हैं। इतने सारे नाम है इसके जो दिए जाते हैं। होता क्या है, बेसिकली एक प्लेट होती है छोटी सी, उस प्लेट्स में ढेर सारे एक के पास एक लगे हुए वेल्स होते हैं, ठीक है, और इन वेल्स में हम क्या करते हैं, इन वेल्स में हम डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड लाइगेट कर देते हैं, या डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये डीएनए भी नॉर्मल डीएनए नहीं होता है, ये डीएनए भी सी डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए भी सी डीएनए होता है। तो सी डीएनए आप सभी लोगों को पता है किससे बनता है, एमआरएनए से। एमआरएनए से सी डीएनए किसकी मदद से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। इस सी डीएनए का एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड हम क्या करते हैं, हम इसको अटैच कर देते हैं इस वेल में, ठीक है, अलग अलग वेल में। अब होता क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ ना जी क्यों कर रहे हैं। तो एमआरएनए, ये हम ये कह लें डीएनए माइक्रो एरे को यूज किया जाता है किसी भी सेल में स्पेसिफिकली उस टाइम पे जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसे पता करने के लिए सबसे ज्यादा, ठीक। तो एमआरएनए वो होंगे जो कि अभी एक्सप्रेस होके आए हैं, क्योंकि एमआरएनए ज्यादा देर रहते नहीं है। एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट किया, एमआरएनए से सी डीएनए बनाया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और फिर सी डीएनए के एक स्ट्रैंड को हमने कर दिया फिक्स, ठीक है, सी डीएनए के एक स्ट्रैंड को हमने कर दिया फिक्स। फिर हमारे पास जो सी डी एन ए लाइब्रेरी है, या जो हमको पहले से सीक्वेंसेस पता है, जो जीन्स के सीक्वेंसेस पता है, हम उस डी एन ए को इंसर्ट कराते हैं, कहाँ पे, इस माइक्रो एरे के ऊपर, इस चिप के ऊपर, इस चिप के ऊपर हमने उनको इंसर्ट कराया। अब जो डी एन ए बाइंड कर जाएगा सी डी एन ए के स्ट्रैंड के साथ, या जो डी एन ए का स्ट्रैंड बाइंड कर जाएगा सी डी एन ए के स्ट्रैंड के साथ, इसका मतलब डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो जीन, वो सेगमेंट, वो फ्रैगमेंट अभी अभी एक्सप्रेस होके आया है, और एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होके इस सेल में स्पेसिफिकली हमें मिल रहा है जिस सेल की भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर वो स्पॉट डीएनए का जो कि हम प्रोब की तरह यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो हमने एक्सटर्नली डीएनए प्रोवाइड किया है, वो फ्लोरोसेंटली टैग्ड होगा या किसी डाई के साथ लिंक्ड होगा, और जैसे ही वो यहाँ पे बाइंड करेगा हमको अपना जो जीन है वो पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिकली जीन एक्सप्रेस हो रहा था। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम स्टेप्स देखें तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से होते हैं, सैंपल कलेक्शन, आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए, क्रिएशन ऑफ लेबल्ड सीडीएनए, हाइब्रिडाइजेशन एंड कलेक्शन एंड एनालिसिस। होता क्या है कि आपने एक नॉर्मल सेल लिया और एक कैंसरस सेल लिया, ठीक। नॉर्मल सेल को आपने क्या किया, आपने कल्चर किया दोनों का, ठीक। कल्चर करने के बाद आपने उन सेल से एमआरएनए एक्सट्रैक्ट किए, आपके कैंसर सेल से भी और नॉर्मल सेल से भी एमआरएनए एक्सट्रैक्ट किए। एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका आपने सीडीएनए सिंथेसिस करवाया, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से सीडीएनए सिंथेसिस करवाया, जिसमें से आपके नॉर्मल सेल्स को आपने जो सीडीएनए सिंथेसिस कराया उसको आपने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोब से क्या किया, उसको टैग किया हुआ है, और सी डी एन ए हमारे पास जो कैंसर सेल से है वो रेड फ्लोरोसेंट प्रोब से टैग्ड है, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें तैयार हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी जो माइक्रो एरे ली उसमें हमने वो सी डी एन ए प्रोब पहले से अटैच किए हुए हैं जो हमें पता है सीक्वेंस, ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हम इन ग्रीन और रेड को इंसर्ट करेंगे,
ठीक है, ग्रीन और रेड जो फ्लोरोसेंट प्रोब्स हैं उनको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो cDNA है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करेंगे जो कि cDNA प्रोब जो हमने लाइब्रेरी ली है वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वो बाइंड कर गए इसका मतलब कि वो DNA का पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक, तो जहाँ से जिस भी वेल से हमको कोई भी फ्लोरोसेंस नहीं मिलेगी तो इसका मतलब वो DNA का पार्ट एक्सप्रेस नहीं हो रहा या वो सेगमेंट एक्सप्रेस नहीं हो रहा। जहाँ पे हमको येलो मिलेगी इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि ये DNA का पार्ट, ये फ्रैगमेंट, ये जीन दोनों में ही एक्सप्रेस हो रहा है, भले वो कैंसर सेल हो या नॉर्मल सेल हो। अगर कहीं हमें ग्रीन मिल रही है तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ नॉर्मल सेल्स में ही ये पार्ट, ये DNA का फ्रैगमेंट, ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है। और अगर कहीं रेड मिल रहा है तो वो सिर्फ डिजीज्ड सेल यानी कि कैंसरस सेल में हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल इन दोनों में से किस तरीके का जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो हो रहा है, क्या कौन से ऐसे जीन्स हैं जो दोनों में एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से ऐसे जीन हैं स्पेसिफिकली एक सेल में हो रहे हैं दूसरे में नहीं हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा नॉर्मल सेल से किस तरीके से कैंसर सेल अलग है। ओके, तो इस तरीके की प्रोसेस होती है DNA माइक्रोहेरे की। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई हो, आई होप आप लोग को दोनों टेक्निक समझ में आई हो। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो डाउट सेशन, डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, इन गिवन डिटेल्स पे कॉल कर सकते हैं, आप गिवन नंबर पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।